दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी फिल्म यानी कि बॉलीवुड की फिल्म हो, साउथ की फिल्म हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी कोई भी फिल्में हो, वो रिलीज होने के बाद, थिएटर में रिलीज होने के बाद पैसा कैसे कमाती है, कहाँ से कमाती है, किन किन तरीक़ों से कमाती है और फिल्म रिलीज कौन करता है, कैसे रिलीज होती है फिल्म, इन सब सारी चीज़ों पे वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी फिल्म बनता कैसे है और कौन इस फिल्म को बना सकता है और फिल्म बनाने के बाद आपको फिल्म रिलीज करने से पहले पैसा कहाँ कहाँ किस किस तरीक़ों से कमाया जाता है और लोग कमाते हैं, उन तरीक़ों के बारे में हमने इसके पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया था। और इस सेकेंड पार्ट में आज हम जानेंगे फिल्म रिलीज होने के बाद पैसा कहाँ कहाँ से कैसे किस तरीके से कमाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फिल्म बना के रेडी कर लिया है एक हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में। अब उस हार्ड डिस्क को लेके, उस फिल्म को लेके आप जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि यशराज बैनर है, धर्मा प्रोडक्शन है, एक्सेल इंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है, फॉक्स स्टार स्टूडियो है, ये सब सारे जो होते हैं ये मेन और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। और इन डिस्ट्रीब्यूटरों के अंडर में जो होते हैं वो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, यानी कि सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में 500 या 1000 के आसपास, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास छोटे छोटे जो सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके एरिया के हिसाब से उनके अंडर में थिएटर होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं। जैसे कि कोई भी सब डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उसके अंडर में कम से कम 400-500 या 1000 के आसपास थिएटर होगा और उन थिएटरों में कौन सी फिल्म रिलीज होगी वो सब डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करता है। और सब डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्में कौन देता है? डिस्ट्रीब्यूटर देता है। और डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्में कौन देता है? फिल्म मेकर देता है, यानी कि प्रोड्यूसर देता है। तो आप फिल्म लेके चले गए डिस्ट्रीब्यूटर को, आपने मान लीजिए आपने धर्मा प्रोडक्शन को दे दिया। अब धर्मा प्रोडक्शन वाला क्या करेगा कि उस फिल्म को वो छोटे जो उसके अंडर में सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन लोगों को वो फिल्में हार्ड डिस्क दे देगा और बोलेगा कि अब जो भी आपके अंडर में थिएटर्स हैं उनको आप इस फिल्म को रिलीज करके दिखाइए। अब क्या होता है, धर्मा प्रोडक्शन जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने छोटे जो सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन लोगों से एग्रीमेंट करता है कि आप जब अपनी फिल्म को अपने सिनेमा हॉल में दिखाएंगे, थिएटर में दिखाएंगे, तो उसमें जो टिकट का पैसा होगा उस टिकट के पैसे में पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में 30-70 का रेशियो रहेगा। वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने हिसाब से रेशियो तय करते हैं। जैसे कि अगर 100 रुपये का टिकट बिकता है तो उसमें 30 रुपया सिनेमा हॉल वाला यानी कि थिएटर वाला अपने पास रखेगा और 70 रुपये जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन वाले को दे देगा। इस तरीके से कमाई होती है। अब क्या होता है कि ये प्रक्रिया दूसरे हफ्ते में चेंज हो जाती है। दूसरे जैसे जैसे फिल्में पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे जो होता है वो सिनेमा हॉल वालों का मुनाफा यानी कि थिएटर वालों का मुनाफा बढ़ता जाता है और जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसको उस टिकट से पैसे कम मिलने लगते हैं। क्योंकि दूसरे हफ्ते में क्या होता है, ये अनुपात बदल जाता है, यानी कि 60-40 का हो जाता है, यानी कि 60 रुपये, अगर 100 रुपये का टिकट बिकता है तो उसमें 60 रुपया थिएटर वाला रखेगा और 40 रुपया प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि कोई फिल्में अगर ज़बरदस्त हिट हो जाती हैं, जैसे कि शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे काफ़ी सालों तक चली थी, तो उस फिल्म में क्या होता है, अगर कोई फिल्म सुपर हिट हो जाती है और वो कई महीनों तक थिएटरों में लगातार चलती रहती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है, वो थिएटर वालों को होता है। क्योंकि 1-2 या 3 हफ्तों से ज़्यादा वो पैसे जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटरों को नहीं देते हैं। पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते और मैक्सिमम तीसरे हफ्ते तक पैसा जो थिएटर वाले होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं और उसके बाद अगर फिल्म लगातार चलती रहती है तो जो थिएटर वाले होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अब बात आती है आगे कि प्रोड्यूसर जो होते हैं उन प्रोड्यूसरों को डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कैसे मिलता है। जैसे क्या होता है, इसमें 2 कंडीशन हो गया। पहले कंडीशन में क्या हुआ कि अगर जो फिल्म मेकर है यानी कि जो फिल्म बनाने वाला है, प्रोड्यूसर है, वही खुद एक्टर भी है और वही डायरेक्टर भी है और वही डिस्ट्रीब्यूटर भी है, यानी कि खुद जो फिल्म में, यानी कि प्रोड्यूसर जो है वही एक्टर भी है, वही डिस्ट्रीब्यूटर भी है और वही
डायरेक्टर भी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी पैसा होता है वो कहीं जाना नहीं पड़ता है उस एक्टर को या प्रोड्यूसर को, वो खुद ही एक्टर है, खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही डायरेक्टर है। जैसे कि इसका एक सिंपल उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने दंगल फिल्म देखा होगा आमिर खान की, आमिर खान दंगल फिल्म में खुद प्रोड्यूसर भी थे, उनकी पत्नी किरण राव भी प्रोड्यूसर थी, और आमिर खान एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, और इसके अलावा वो डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। यानी कि उन्होंने अपने फिल्म को खुद बनाया, खुद एक्टिंग भी किए और खुद पैसा भी लगाया और खुद उस फिल्म को रिलीज भी किया, और उस फिल्म को बनाने में लगभग 70 या 80 करोड़ के आसपास रुपए लगे थे दंगल फिल्म को बनाने में। और वो फिल्म आपको अंदाज़ा होगा, आपको मालूम भी होगा कि इंडिया में लगभग 600 करोड़ के आसपास, लगभग 600 करोड़ रुपए केवल इंडिया में फिल्म कमाई थी, और उसके अलावा चाइना, अमेरिका, जापान, इन जो विदेश में ये फिल्में कम से कम लगभग दंगल फिल्म तकरीबन 1400 करोड़ रुपए के आसपास कमाई थी। यानी कि टोटल मिला दें इंडिया का और वर्ल्ड वाइड का, तो लगभग दंगल फिल्म ने लगभग 2000 करोड़ रुपया कमाया था, और ये पूरा का पूरा 2000 करोड़ रुपया आमिर खान के पास गया था, क्योंकि आमिर खान ही उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे और डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। तो उनको जो भी पैसा उस फिल्म से मिला वो सबका सब उनके पास ही आया। जबकि दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी परिस्थिति में, कि जो नॉर्मल फिल्म बनाने वाला है वो केवल एक प्रोड्यूसर है, एक निर्माता है, वो बस पैसा लगाया है, वो एक्टर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो डायरेक्टर नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो प्रोड्यूसर फिल्म बना के और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, धर्मा प्रोडक्शन, फॉक्स स्टार स्टूडियो, ये सब सारे, एक्सेल इंटरटेनमेंट, यशराज बैनर, ये सब सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो जो नॉर्मल और फ्रेश जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फिल्म बना के ले जाके डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर अब उस फिल्म में क्या करता है कि थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करके और उस फिल्म से पैसा कमाना चालू कर देता है। जैसे कि अगर 100 करोड़ की फिल्म बना के प्रोड्यूसर ने 120 करोड़ में बेच दिया धर्मा प्रोडक्शन को, अब धर्मा प्रोडक्शन क्या करेगा, 30 करोड़ रुपया अपने पास से केवल एडवर्टाइजमेंट में लगाएगा, यानी कि प्रचार प्रसार में लगाएगा पूरे वर्ल्ड में। वो इंटरनेट से लेके हर वेबसाइट, यूट्यूब, हर सारे टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, पोस्टर, बैनर हर जगह लगा के उस फिल्म को इतना प्रमोट कर देगा कि हर आदमी के दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, ये फिल्म इतने तारीख को रिलीज हो रही है और जाके थिएटर में देखना है। तो उस फिल्म को क्या करेगा धर्मा प्रोडक्शन वाला, कि उस फिल्म को अब थिएटर में रिलीज करेगा और वो पूरा पैसा जो भी उस फिल्म से कमाई होगा वो पूरा का पूरा धर्मा प्रोडक्शन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को होगा, प्रोड्यूसर को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर तो 100 करोड़ की फिल्म बनाया था, 120 करोड़ यानी कि 20 करोड़ मुनाफा लेके वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को बेच के चला गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो धर्मा प्रोडक्शन वाला है वो इस फिल्म से, उसके किस्मत के ऊपर है कि धर्मा प्रोडक्शन वाला इस फिल्म से कितना ज़्यादा पैसा कमा लेता है। अगर उसने 120 करोड़ में धर्मा प्रोडक्शन अगर 120 करोड़ में उस फिल्म को खरीदा है और वो फिल्म अगर फ्लॉप हो जाती है तो उसका सारा नुकसान धर्मा प्रोडक्शन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को ही होगा, प्रोड्यूसर को एक भी पैसे का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर ऑलरेडी 20 करोड़ मुनाफा लेके 120 करोड़ में उस फिल्म को बेच के निकल गया है इस प्रोजेक्ट से। यही इसी तरीके से फिल्में रिलीज होने के बाद पैसा कमाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके से हर प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।